बाजीराज, इतनी कठोर सुरक्षा को कैसे भेद पाएंगे हम? कैसे प्रवेश करेंगे हम बिजोलिया में? ऐसे लगता है इन्होंने सारी की सारी सेना तैनात कर दी है। अवश्य ये लड़ाकू लड़की का ही काम होगा। चक्रपाणि, किसी ने भी किया हो ये सब, पर अब हमें बिजोलिया में प्रवेश करना ही करना है। कम से कम आपके और हमारे ससुराल में प्रवेश करते वक्त हमें नहीं मरना है। वैसे आपने अपनी ज्योतिष ज्ञान का प्रयोग कब से नहीं किया? आपके मन मस्तिष्क में द्वंद्व है, चित्त में अनिर्णय की स्थिति चल रही है। आपको बिजोलिया के असंतोष के मूल तक पहुंचना है। आप वो बता रहे हैं जो आप पहले से ही जानते थे। कल रात आपको एक विचित्र सपना आया। सपने में आप दुख के सागर में डूब रहे थे, निकलने के लिए लटपटा रहे थे, हाथ पांव मार रहे थे, परंतु किसी ने भी आपको दुख के सागर में से निकलने के लिए मदद नहीं की। मान गए आपकी ज्योतिष क्षमता को, मतलब अब आप हमें ले जाएंगे बिजोलिया में। चलिए। अजब थे जिन्होंने आपके मन को, आपकी भावनाओं को, आपके विश्वास को अकारण ही चोट पहुंचाई, छल किया है। उनका सामना कीजिए वीरता के साथ, विगत की स्मृतियों में मत डूबिए, आगे बढ़िए। यदि राणा उदय सिंह जी हमारे स्वर को शांत करने के लिए गुप्तचर भेज सकते हैं बिजोलिया, तो अब आपको भी अपनी निजी पीड़ा और मेवाड़ के साथ अपने संबंधों को भूलकर किसी दूसरे राज्य के साथ गठबंधन करने का प्रयास करना चाहिए। रानी मां उचित कह रही हैं जीजा। हाँ भाई साहब, अब हम और अत्याचार नहीं सहेंगे। हाँ भाई साहब, नहीं सहेंगे। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग और कौन है? हमें अपना पहचान पत्र दिखाइए। हमें अपना पालनहार समझिए। हम आपको आपकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। आपसे कहाँ कोई भूल हो रही है ये बताने के लिए आए हैं। लगता है कोई पागल है। पंडित जी, जरा इन शूरवीरों को बताएंगे इनकी समस्याएं क्या है, बताइए। आपकी दाई दाढ़ में 3 दिनों से पीड़ा है। अरे आपको कैसे पता चला? ठीक है, हमने एक निर्णय लिया है और हम आप सभी को बता दें, ये निर्णय हमने किसी भावनाओं में आकर नहीं लिया है और ना ही इसलिए लिया है क्योंकि चित्तौड़ हमें अपनी बहू नहीं मानती। हमने ये निर्णय लिया है तो सिर्फ बिजोलिया के लिए और बिजोलिया के हित में है, क्योंकि हम बिजोलिया की बेटी है और बिजोलिया की बेटी बिजोलिया का अहित कभी नहीं सोचेगी। हम मेवाड़ के विरुद्ध विद्रोह करेंगे और बिजोलिया को स्वतंत्र बनाएंगे, परंतु हमारी कुछ शर्तें। समझ में नहीं आ रहा पंडित जी, अब क्या करूं? घबराओ मत, तुम सिर्फ इतना करो कि प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। यदि तुम कार्तिक मास 3 सप्ताह सूर्यदेव को जल चढ़ाते हो
तो फिर तुम्हारी पत्नी कभी तुम्हें दुख नहीं देगी। अचूक उपाय देते हैं हमारे पंडित जी। पंडित जी बताइए ना, हमारा विवाह कब होगा? बाद में। बाद में मतलब कब? बाद में अर्थात अभी पंडित जी विश्राम करेंगे, बाकी भविष्यवाणियां विश्राम के बाद होंगी। पंडित जी यदि आज आप हमारा अतिथि स्वीकार करें तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें भी अच्छा लगेगा। हम यहाँ एक महत्वपूर्ण अभियान के लिए आए हैं, जिसके लिए हम दोनों को बिचौलिया में प्रवेश करना है। हम दोनों। हाँ हाँ बिल्कुल, सुनो हमारे मित्र भी चलेंगे हमारे साथ बिचौलिया। लेकिन अंदर जाने के लिए आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। मूर्ख, चमत्कारी पंडित से ठिठोली, जा। तुम्हारा जो ये भाला है ना, वो सूखे हुए पत्ती की तरह मुड़ जाएगा। पंडित जी आपकी ये बात मिथ्या निकल जाएगी, क्योंकि ये भाला विशेष अष्ट धातु से बना है और इसे मोड़ भी नहीं सकता कोई। अच्छा दिखाइए तो। हमारी पहली शर्त ये है कि हमारे स्वतंत्रता के यज्ञ में हम किसी दूसरे राज्य को ना ही इसमें सम्मिलित करेंगे और ना ही उनका कोई सहयोग लेंगे, क्योंकि हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी दूसरा राज्य हमारे साथ साथ मेवाड़ से अच्छा व्यवहार करेगा ही करेगा। नहीं, सच्ची स्वतंत्रता हमारी आत्मनिर्भरता में है, और इसीलिए हमें पहले आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना होगा। हमारी दूसरी शर्त ये है कि हम बिजौलिया की प्रजा को कुछ नहीं बताएंगे। यदि हमने उनसे कह दिया कि हमने मेवाड़ से स्वतंत्र होने का मन बना लिया, तो हमारे पड़ोसी राज्य हमें अपने राज्य में जबरन सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, जो किसी भी मूल्य पर हमें होने नहीं देना है। हम सब इस अग्नि को साक्षी रखते हुए शपथ लेते हैं कि बिजौलिया के हित में जो भी निर्णय बाईजिला ने लिए हैं वो हम तक सीमित रहेगी, और ये बात तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक बाईजिला स्वयं हमें इसका आदेश न दे। ये रहा आपका भाला। देखा, हमने कहा था ना, हमारी भविष्यवाणी कभी मिथ्या नहीं जाएगी। जय हो पंडित जी की। हाँ, आपसे कैसा पहचान पत्र? आइए, आपका बिजुलिया में स्वागत है। सच तो यही है कि आज बिजौलिया का बच्चा बिजौलिया के प्रति मेवाड़ की उदासीनता से दुखी है। और वैसे भी आजकल चित्तौड़ में कोई सिद्धांत या कोई आदर्श नहीं बचा। क्या बात है बाबूजी राज? नहीं कुछ नहीं, चले जाके पता लगाते हैं क्या समस्या है बिजौलिया की। पर बाईजीलाल, आपने ये जो बातें अभी बताई हैं, इसे हम प्राप्त कैसे करेंगे? कोई योजना है आपके पास? योजना बहुत सरल। स्वतंत्रता से पहले आत्मनिर्भरता, और इसके लिए हमें स्वयं शक्तिशाली होना होगा।
जैसे हम दिवाली मेले का आयोजन करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह दादा के समय हुआ करता था, और मेले में होने वाले व्यापार से बिचौलिया की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और इन्हीं सब प्रयासों से हम हमारे सेना के लिए सुदृढ़ बना पाएंगे और उनके लिए अश्व और हथियार खरीदेंगे, और इन्हीं प्रयासों से बहुत ही शीघ्र हम इतने बलशाली हो जाएंगे कि कोई भी हम पर अधिकार करने की बात नहीं सोच पाएगा, और तब हम मेवाड़ से अलग होकर बिचौलिया को स्वतंत्र बनाएंगे। हम अजब देखी इस योजना से पूरी तरह से सहमत है। ये पूरी तरह से व्यवहारिक है और करने योग्य है। हाँ हाँ, हम भी सहमत है। हाँ, हम भी सहमत है। हम सब सहमत है। हाँ, हम सब सहमत है। तो ये पत्ता ऐसे ही थोड़ी अपने जीजा का सम्मान करता है। अब हमारी प्रशंसा करना बंद कीजिए और जाकर दिवाली मेले की तैयारियां शुरू कीजिए। हुकुम। चलिए। हमें क्षमा कर दीजिए हुकुम, पर हम क्या करते? आपने और आपके परिवार ने हमारे लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा। से आप अपना मुंह ढक लीजिए। ये लीजिए। हम इससे क्यों मुंह ढके? गाय है क्या? नहीं नहीं, बिल्ली, वो भी खेसियान। क्या बात है भाजीराज? कुछ नहीं चक्रपाणी, यहां सब कुछ वैसा ही है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बदल सा गया है। चलो, अब क्या हुआ तुम्हें? हाँ जीजा ने हमें दिवाली मेले की तैयारी करने के लिए कहा है। यदि तुम यही खड़े रहे तो हम दिवाली मेले की तैयारियां कैसे करेंगे? चलो चलो हमारे साथ। पत्ता, उसकी लगाम हमारे हाथ में है। जब सब शपथ ले रहे थे तब हमने देखा कि आपने शपथ नहीं ली। क्यों? योजना को गुप्त रखने वाली शपथ। वो जीजा, हम पता
बिजौलिया में शुरू हो रहे विद्रोह के बारे में आपने किसी को बताया है, है ना? कि आज बिजौलिया का बच्चा बच्चा बिजौलिया के प्रति मेवाड़ की उदासीनता से दुखी है। जीजा, हमने थोड़ी बहुत बातें कही थी जिससे हो सकता है हमारे अश्वपाल मित्र को आभास हो गया, किंतु आपके हमें सचेत करने के पश्चात अब हम भी यही सोच रहे हैं। हमें भी वो साधारण अश्वपाल नहीं लगता, किंतु आपको ये सब कैसे पता चल गया जीजा? आप तो जानते हैं ना, हमें पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है। और वैसे भी आप जिस तरह से अपने अश्वपाल मित्र के बारे में हमें बता रहे हैं, हम जान गए कि जितना आपने हमें बताया है उससे अधिक वो जानते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो आप आजराज? जिसकी आवश्यकता नहीं उसे जलाना ही ठीक है। अब जब सब बीता जल जाएगा तो यहां फिर से कुछ सुंदर, कुछ उपयोगी बन पाएगा। आजराज, कहीं आप यहां से जुड़ी अपनी भूली बिसरी स्मृतियों की बात तो नहीं कर रहे ना? उन्हें तो कब का चला कर राख कर चुके हैं। अब चिंता मत कीजिए जीजा, आपने उस दिन जिस प्रकार उन्हें मुंह तोड़ उत्तर दिया था, हमें नहीं लगता वो यहां रुकेंगे। वो तो उसी दिन चुपचाप यहां से भाग गए होंगे। पता नहीं, परंतु हमें वो इतने आसानी से अपने प्रयास छोड़ने वाले नहीं लगते। वो अभी भी बिजौलिया में प्रवेश कर सकते हैं। यदि उन्हें आपसे हमारे विद्रोह के बारे में पता चल गया तो ये बात मेवाड़ तक पहुंच सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो हमारी सारी बनी योजनाएं पहले ही टूट जाएगी। नहीं जीजा, पता वचन। हाँ, आप जब भी उस अश्वपाल को यहां देखेंगे कोई मूर्खता नहीं करेंगे, तुरंत हमें आकर सूचित करेंगे। अवश्य जीजा, हमें हमारे अश्वपाल मित्र की सौगंध।